बिना परेशानी अधिकारी बनने का सपना पूरा करें, डाउनलोड ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम की तैयारी में जो सबसे बड़ा आपका साथी होता है वो होता है PYQ, क्योंकि आयोग के द्वारा जो आपको दिया जाता है एकमात्र वो जो सीमा रेखा जहां से सवाल पूछे जाते हैं या एक अंदाजा लगा सकते हो वो सिर्फ PYQ होता है, सिर्फ सिलेबस से आपको पता नहीं चलता। PYQ मन में सवाल आता है, PYQ प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कैसे करें, PYQ करने का बेस्ट तरीका क्या, कितने साल का PYQ करें, किस किस का PYQ करें, ये सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे। तैयारी को मजबूत कर लो, आगे 2025 में अगर नौकरी लेनी है 2024 को शानदार बनाना होगा। सही तरीके से सटीक तैयारी के लिए आपको PYQ पे जाना ही है, PYQ PT के लिए भी और PYQ मेंस के लिए भी। दोनों की स्ट्रैटेजी अलग होगी, तरीके अलग होंगे और दोनों के लिए अप्रोच भी अलग होगा। PYQ सबसे पहले मेंस की बात करते हैं। यदि आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप UPPSC की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की, मान लो PCS की तैयारी कर रहे हो, आपको क्या करना है, आप क्या करेंगे अगर UPSC की तैयारी करेंगे तो UPSC के मेंस को का क्वेश्चन पेपर, हम आंसर राइटिंग पे नहीं जाते, मेंस का क्वेश्चन पेपर उठा लेंगे और UPSC की तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आप UPPSC की करते हो तो वहां भी यही करोगे, MP की करोगे तो ऐसे, सबका अपना एक तरीका है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जहां पे भी जिस भी PCS में आंसर राइटिंग करने का ऑप्शन है, जहां आंसर राइटिंग होता है, मतलब अलग अलग तरीके हो गए, अब राजस्थान अलग है, MP अलग है, झारखंड अलग है, सबका अलग है, लेकिन जितने सब्जेक्ट कॉमन है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी चीजें कॉमन, अब कॉमन है, यदि आप UPSC का पेपर दे रहे हैं तब भी आपको UPSC के PYQ के साथ साथ UPPSC का भी PYQ ऐड करना चाहिए, BPSC का भी ऐड करना चाहिए, और यदि आप UPPSC दे रहे हैं, BPSC दे रहे हैं, MPPSC दे रहे हैं, तो जैसे अगर मान लो आप BPSC दे रहे हो, आप उत्तर प्रदेश दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको इन सब के PYQ को भी ऐड करना चाहिए। तो जैसे ही ये बात हम आपको कहेंगे, आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाएगा, कहेगा ये ना हमसे बहुत ज्यादा काम करवा देंगे, हमको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पूरा टाइम PYQ में ही हमारा चला जाएगा। ऐसा नहीं है, और आपका बिल्कुल ही टाइम नहीं जाएगा और आपकी तैयारी एकदम सटीक होगी। कैसे, आपने क्या किया, आप मान लो हम BPSC की तैयारी कर रहे हो, UPPSC की कर रहे हो, आपने UPSC का भी खरीदा प्रीवियस ईयर, UP का भी खरीदा, MP का भी खरीदा, BPSC ऐसे करके आपने खरीदा, तो थोड़ा सा MP का सिलेबस अलग हो जाता है, इसलिए उसको हम इसलिए बार बार हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने UPPSC उत्तर प्रदेश और UPSC UPPSC एंड BPSC का मान लो खरीद लिया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, किसी की भी तैयारी कर लो। अब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन, तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है, क्या इसी में उलझ के रह जाना है, नहीं, आपका काम क्या है, इसे कैसे आप ऑप्टिमम यूज करके अपने आगे के एग्जाम को सेव कर सकते हो, हम बता, आपको करना क्या है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न हिस्ट्री है, आप अलग अलग टॉपिक बनाओगे, टॉपिक 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अब जैसे टॉपिक 1 में 1905 स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल पार्टीशन, 1857 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब ऐसे करके आप इसके क्वेश्चंस को निकालना शुरू कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज तैयार, जब चैप्टर वाइज आप तैयार कर लोगे इस तरह से तीनों को बाहर निकाल के, तब आपको एक और काम करना है, काम ये करना है, जैसे ही आपने मान लो सविनय अवज्ञा आंदोलन के सवाल निकाले, आपको क्या लगता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो आपने सवाल निकाला आसान लग रहा होगा, पहले सुन लीजिए तब मुश्किल में भी जाएंगे। अगर मान लो इसको आपने निकाला तो क्या होगा, क्यों आया, कैसे आया, इसका विस्तार यानी एक्सटेंशन क्या है, ये असफल हुआ तो कैसे हुआ, इसका प्रभाव यानी इसका इंपैक्ट क्या है, इसी तरह से ना कुछ पूछा गया होगा या कोई अलग स्टेटमेंट होगा, यही चीजें हो सकती है। जैसे चलो एक और कर लेते हैं, मानसून की बात करते हैं, ठीक है। अब मानसून कैसे आया, कैसे आता है भारत में, कैसे उसका विभाजन है, किस तरह से वो विभाजन उसका होता है चार चार पार्ट में, ठीक है। वर्षा की मात्रा,
असफल क्यों हो जाता है, उसको लेकर जो कॉन्सेप्ट है जेट स्ट्रीम का, ठीक है, ईएनएसओ का, ऐसे करके अलग अलग कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह से अलग अलग तरह के सवाल आपसे पूछे गए होंगे, उसके अंदर पूछे गए होंगे सबको अपने। अगर आपने एक जगह जमा कर लिया तो आगे कुछ अलग होना है क्या? इसके अलावा कुछ भी अलग हो रहा है? अब आप इन सब पे छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो, जो आपको लिखना हो, अगर इंपैक्ट आया तो आप क्या लिखना चाहेंगे वहां पे, क्योंकि ये बदलने वाला तो है नहीं, ये कोई करंट अफेयर्स तो है नहीं कि बदल जाएगा। तो ऐसे करके जब आप काम करेंगे तो आप बिल्कुल ही सटीक तैयारी, कहते हैं ना मेंस के जीएस का, वो कर लेंगे। यानी आपने यूपीएससी के भी पेपर को लिया, यूपीपीएससी, बीपीएससी। कई बार ऐसा नहीं है कि पीसीएस के पेपर को यूपीएससी फॉलो नहीं करते, इसको आप मेंस में नहीं पकड़ पाओगे, हो सकता है प्रीलिम्स में आप पकड़ लेंगे। प्रीलिम्स में आप देखना तो घटना चक्र की किताब आती है प्रीवियस ईयर की, तो वहां देखिए जो कभी उत्तर प्रदेश ने पूछा उसको सीधा उठा के यूपीएससी ने पूछ दिया, यूपीएससी के सवाल को उत्तर प्रदेश ने पूछ दिया, बिहार ने पूछ दिया, बिहार के सवाल को कोई और पूछ दिया। तो ये क्रम चलता है, सब एक दूसरे के पेपर को चेक करते हैं बनाने के पहले, किसने क्या क्या पूछा है, तो उसके शब्दों के साथ खेलेंगे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे कुछ और ऐड कर देंगे और वो हो जाएगा खास। तो वो जो एक्स्ट्रा ऐड होगा वो तो बाद की बात है, बाकी सब तो आप तैयार कर लोगे ना, और इसके बाद ये होगी सटीक तैयारी, कुछ नहीं छूट रहा। यूपीएससी का पेपर पीसीएस वाले को मुश्किल लगेगा, तो यूपीएससी के पेपर में जो मुश्किल हिस्सा वो हटा दीजिए, आपके हिसाब से पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा उसमें हटा दीजिए। लेकिन सीडीएम का कारण क्या है, उसका असफलता कैसे हुआ, या मॉनसून कैसे आता है, जेट स्ट्रीम क्या है, ये तो कॉमन पॉइंट है ना, ये तो कर लोगे। तो ऐसे करके पीवाईक्यू को आप कीजिए। मेंस के अंदर पीवाईक्यू कितना करे, जितना पुराना मिल सके। मार्केट में कुछ किताबें हैं जो 10 साल पुरानी है, तो वो क्वेश्चन आंसर है ना, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सिर्फ आप निकालोगे तो वो 20-20 साल पुरानी आपको मिल जाएगी। तो जितनी पुरानी जितना पुराना पीवाईक्यू मेंस का आपको मिलता है, अलग अलग पीसीएस और यूपीएससी का, उठा लीजिए। अब कहोगे उतना पढ़ने में टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्वेश्चन रिपीट होने लगेगा 5-6-7-8 सालों के बाद, उसके अंदर ही सवाल अब आपके रिपीट हो रहे हैं, एक सर्कल स्टार्ट होगा, अलग अलग तरीके से सवाल जरूर होंगे लेकिन वो सवाल पूरा का पूरा रिपीट होगा। ऑप्शनल पेपर में तो एज इट इज ऐसा ही होता है। तो आराम से आप यहां से मेंस को कर सकते हैं, तो जितना पुराना मिले उतना यहां से उठाइए। प्रीलिम्स की जहां तक रही सवाल की बात, तो प्रीलिम्स में भी आपको पीवाईक्यू करना है, क्योंकि डायरेक्शन तो यही बताएगा कि किस डायरेक्शन में आपकी तैयारी हो रही है। तो प्रीलिम्स में जब पीवाईक्यू करेंगे तो फिर यहां पे तरीका क्या होगा, कितना साल पुराना, तो प्रीलिम्स में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो किताब आपके पास है ना वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा कुछ करना है। उसमें आपको करना क्या है, उसमें भी आपको एक काम जरूर करना है, वो काम ये करना है कि आप क्या करेंगे, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आप भी अपने पेज में 1-2-3-4 करके टॉपिक बना लो, और वहां पे ज्यादा दिमाग नहीं, वहां पे बहुत एक्स्ट्रा आपको एफर्ट लगा के समय अपना बर्बाद नहीं करना। वहां करना क्या है कि नॉन कॉपरेशन से जितने तरह के पॉइंट पूछे गए, क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसमें जो फैक्ट्स पूछा गया वो, और उसके नीचे जो विकल्प दिए गए हैं वो, उससे रिलेटेड कंटेंट तैयार कर दीजिए, एक एक लाइन में, एक एक लाइन, उससे ज्यादा नहीं, एक एक लाइन, दो लाइन हो सकता है, तैयार करते चलिए। अब मान लो पहला टॉपिक आपका 1905 या 1857, जितने सवाल पूछे गए हर एंगल पे, वो सवाल उससे रिलेटेड ऑप्शन अगर उससे रिलेटेड है वो भी तैयार कर लीजिए। आप देखेंगे कि जो किताब जिसको आप फॉलो करोगे घटना चक्र और जो भी करे हैं, उसके कुछ जैसे 1857 का ही सवाल है ना, उसके कुछ सवालों के बाद, उसको ईयर नहीं लिखना है, उसके 4-5 सवालों के बाद आपके आपका जो लिखना है ना वो कम हो जाएगा। यानी आपने मान लो, इस मेरे कहने का मतलब ये है कि 1857 है ना, यहाँ पे आ रहा है 1857 पे आपने एक फैक्ट लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, चार लिखा, पांच लिखा, और आप पढ़ते जा रहे हैं, तो आप जो छठा पढ़ोगे ना तो बोलेंगे अच्छा ये तो यहां नोट कर चुके, ओके सातवां यहां नोट हो चुका, अच्छा आठवां नहीं हुआ, यहां नाइन्थ हो चुका है, दस हो चुका है, समझ में आ रहा है, वो शॉर्ट होने लगेगा। और जब आपका इस तरह से पर्टिकुलर चैप्टर वाइज कंटेंट तैयार होगा, तब आपको पता चलेगा कि और इंपॉर्टेंट क्या क्या छूट गया है जिस पर आयोग ने सवाल अभी तक नहीं पूछा है। पढ़ लीजिए और जो ये है इसको तो आप पढ़ ही लोगे, इजी हो जाएगा। और इसके लिए ईयर की बात तो करनी नहीं, जो किताब अवेलेबल है मार्केट में
वो सफिशियंट है, वहां से आप इसको कर लीजिए। कितना मेहनत लगेगा, जितना ही मेहनत लगेगा आगे के एग्जाम को तो आसान कर देगा ना, समझ में आ रहा है? तो आगे का एग्जाम आपका इजी हो जाएगा। तो आगे के आसान एग्जाम को आसान और सटीक बनाने के लिए आप इस तरह से पी वाई क्यू का यूज कीजिए। पी वाई क्यू सिर्फ पढ़ के रखने के लिए नहीं होता, उसका यूज किया जाता है, ठीक है? तो इस तरह से जब आप इसका यूज करेंगे तो आप बेहतर रिजल्ट लोगे हर सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, हर सब्जेक्ट में आप इस तरह से पी वाई क्यू को फॉलो कीजिए, तो पीटी का और मेंस का दोनों की तैयारी आपकी सटीक हो जाएगी, एग्जाम निकालना आसान होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।